सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका ओला की एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा जो ओला स्कूटर है वो बारिश में जो है उसका जो टच है वो चलता है कि नहीं चलता है, और अगर जोरदार जो बारिश होती है तब हम जो स्कूटर हमारा जो बाहर खड़ा रह गए गलती से या फिर कुछ भी रहा हो, क्या हमारा स्कूटर ख़राब हो जाएगा, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। और मैं बताता हूं कि मतलब थोड़ा मुझे एक चीज़ थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है ओला में, तो उसके लिए बताऊंगा आपको कि मतलब क्या चीज़ है जो अच्छी नहीं लग रही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो फ्रेंड्स, कल यहाँ पे जो मेरे एरिया में बहुत ही ज़्यादा जोर से बारिश हो रही थी और ऑलमोस्ट गाड़ी जो है वो बाहर ही खड़ी हुई थी, मतलब भाई बारिश ज़बरदस्त हो रही थी, गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई थी। जो मेरे बैटरी का जो टेम्परेचर था वो 30 था। यहाँ पे मौसम थोड़ा जैसे ही थोड़ा गर्मी पड़ती है थोड़ा बारिश हो जाती है, तो जो मौसम है काफ़ी अच्छा रहता है, नॉर्मल सा डिसेंट सा मौसम है अच्छा बैंगलोर का। आप अगर रह रहे होगे तो आपको पता ही होगा। तो कल जो बारिश में मेरा स्कूटर ऑलमोस्ट यहाँ पे आधा घंटा बारिश हुई है, आधा के आधा घंटा ही जो मेरी ओला स्कूटर है वो बाहर ही था। मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना रहा था कि मतलब हाँ भाई कोई प्रॉब्लम हो ताकि मैं सर्विस सेंटर वालों को बता सकूँ कि हाँ मतलब देख लो ऐसा कुछ हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ स्कूटर के साथ। अभी आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर, मैं जो आपको सबसे ख़राब जो बात बता रहा था ये पानी इकट्ठा होने की है। अगर गाड़ी धोते भी हैं, एक ही बार मैंने अभी तक गाड़ी धोई है, वो भी बचा बचा के धोई, मुझे डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। जब भी बारिश पड़ती है गाड़ी धोते हैं तो जो वो फ्लोर बोर्ड है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। अब पानी इकट्ठा लाइक वो थोड़ा टिल्ट रहता है इसीलिए पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये जो चार्जिंग पॉइंट देख रहे हो, मुझे लगा कि शायद इसमें पानी चल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था, चार्जिंग पॉइंट में भी पानी नहीं गया था। बट ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये ज़्यादा देर तक रुकता है या कुछ भी रहता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं बैटरी वगैरह में भाई पानी ना चला जाए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको पता होगा उन्होंने भाई हाई क्लास की टेक्नोलॉजी यूज़ करके रखी हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को बैटरी प्रॉब्लम जो है वो फेस हो ही रही है। यहाँ पर मैं आपको जो टच स्क्रीन है वो चल रही है कि नहीं चल रही है मैं वो टेस्ट कराता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ और अभी आप देख ही रहे होंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल अच्छे से चल रही है, बारिश के पानी में भी बिल्कुल अच्छे से चल रही है। ये सब मैंने टच करके देख रहा था कि भाई पहली बार एक्चुअली ये बारिश में खड़ा हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा डर था कि मतलब कोई चीज़ ख़राब ना हो या फिर ऐसा कुछ ना हो। तो देखा ही आपने, मतलब भाई मतलब कोई इतनी खास प्रॉब्लम हुई नहीं, प्रॉब्लम क्या कुछ का कुछ नहीं सिवाय ये पानी जो इकट्ठा हो जाता है फ्लोर बोर्ड पे, ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाकी अदरवाइज पानी में भी बिल्कुल अच्छा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली बारिश होने के बाद भी मैं इसको यूज़ किया हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा जो ब्रेक में कई लोग बता रहे थे जो आवाज़ आती है बस वही प्रॉब्लम थी, बाकी अदरवाइज किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बारिश में भी बिल्कुल अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर भूल भी जाते तब कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में इतने था, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।